पर सलमान से भिड़ेंगे कौन से एक्शन हीरो, क्या है वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। सलमान खान की फिल्म यानी कि टाइगर जिंदा है कि बड़ी सफलता के बाद सलमान खान ने टाइगर 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं टाइगर जिंदा है फिल्म में नजर आ चुकी एक एक्ट्रेस अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और क्रिमिनल जस्टिस और असुर जैसी कई वेब सीरीज में अपना बोल्डनेस का जलवा बिखेर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्णा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका की। वहीं अब लोगों को लग रहा है कि अब अनुप्रिया एक बार फिर फिल्म में कैटरीना को टक्कर देंगी, तो अभी इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। अनुप्रिया की एक्टिंग को सभी ने फिल्म में बहुत पसंद किया था और उनकी माने तो उनके लिए टाइगर का ये सीक्वल यानी कि टाइगर जिंदा है एक टर्निंग पॉइंट बनकर आया था जिसने उनके करियर को पूरी तरह से रिफ्रेम कर दिया था। अनुप्रिया ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की हैं, जैसे कि अपनी खुशी को शेयर करते हुए अनुप्रिया कहती हैं, टाइगर जिंदा है मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरे करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पूर्णा एक बहुत ही बारीक किरदार था। अब मैं यशराज आदित्य सर की आभारी हूँ, अली अब्बास जफर ने मुझे ये भूमिका निभाने का मौका दिया। इसी पोस्ट के कमेंट में अब फैंस अनुप्रिया से आगामी फिल्म का हिस्सा होने को लेकर सवाल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिल्म में मजेदार एक्शन की बारिश होगी और फिल्म और भी ज्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। फिलहाल मेकर्स ने इस बात का कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है और ना अनुप्रिया की तरफ से कोई बात सामने आई है। फिलहाल तो अभी अनुप्रिया इन दिनों अपने मोस्ट अवेटेड शो असुर के दूसरे सीजन और हॉटस्टार के लिए एक और अनटाइटल्ड सीरीज की रिलीज के लिए तैयार है। देखते हैं आगे क्या न्यूज आती है। आप सभी ये बात जानते हैं कि ईद के मौके पर आप सभी को एक नहीं बल्कि दो दो फैंस को तोहफा मिलेगा। जी हाँ, इस ईद 2022 में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का क्लैश टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टारर फिल्म हीरोपंती 2 के साथ होने जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखना होगा कि ईद पर कौन सी फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद आती है। आप सबको मालूम होगा कि सलमान खान हर साल अपनी एक फिल्म ईद पर ही रिलीज करते हैं और टाइगर श्रॉफ एक उभरते हुए एक्टर है। आप सभी को मालूम होगा कि कोविड के चलते सिनेमा घरों में लंबे समय तक ताला लगा। आप देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर होने जा रही जबरदस्त टक्कर में बाजी कौन मारता है। सलमान खान जो बीते कई दशकों से फैन फॉलोइंग बढ़ाते आ रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में, वहीं टाइगर श्रॉफ जिनके एक्शन के मामले में कोई टक्कर नहीं है। वैसे विजेता चाहे कोई भी बने, लेकिन आप सभी को ईद का प्लान फर्स्ट क्लास बना लेना है क्योंकि दोनों ही फिल्म एक से बढ़कर एक है। अब तो देखना ये होगा कि आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं। कई दिनों से फिल्म इंडस्ट्रीज के एरिया में एक नए यूनिवर्स ने एंट्री कर लिया जिसका नाम है YRF स्पाई यूनिवर्स। तो हम आपको बता दें कि ये YRF स्पाई यूनिवर्स बेसिकली काल्पनिक और सच्ची घटनाओं की एक श्रृंखला पर केंद्रित भारतीय एक्शन फिल्म श्रृंखला है और साझा ब्रह्मांड है फ्रेंचाइजी आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित और यशराज फिल्म्स द्वारा वितरित की गई है। फिल्म रॉय एजेंट्स की असलियत जीवन और काल्पनिक चीजों का अभिनय करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ, विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।